कैसा लगा नाम? कैसा लगा? मस्त। वाह, ये हंस भी रही है, कह रही मस्त नाम है। एक ने तो ये भी कह दिया कि इसका नाम अनुपमा रख दो, क्योंकि अनुपमा आजकल हिट चल रही है, नंबर वन पर है। एक टीवी सीरियल है अनुपमा। तो जी मम्मी भी बना रही पुए। बच्चिया का हो गया नामकरण। पहले मैंने सोचा था कि इसका नाम मैं दुर्गा रखूंगा, क्योंकि नवरात्रि में हुई थी, लेकिन फिर हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 11 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज है हमारे घर में एक नामकरण संस्कार। हमारी जो बच्चिया है उसे आज इस धरती पर आए हुए 11 दिन हो गए हैं, तो आज उसका नामकरण है। दिखाता हूँ, मैं बच्चिया के पास ही खड़ा हूँ। देखो ये है, आसमान में बादल हैं, धूप नहीं खिली है, तो इसे हल्की हल्की ठंड लग रही है। ऊपर देखो इधर, ए हाँ गुड। तो जी इसके नाम के लिए मेरे पास बहुत सारे सजेशन आए हैं। एक ने तो ये भी कह दिया कि इसका नाम अनुपमा रख दो, क्योंकि अनुपमा आजकल हिट चल रही है, नंबर वन पर है। एक टीवी सीरियल है अनुपमा, लेकिन मुझे लगता है कि अनुपमा थोड़ा आंटी टाइप नाम है, तो अनुपमा तो मैं नहीं रखूँगा। कुछ और सोचते हैं, दो तीन और नाम लोगों ने बहुत ज़्यादा सजेस्ट किए हैं, उसी में से एक मैं इसका नाम रखूँगा। तो दोस्तों फिलहाल ले जाता हूँ आपको किचन में और दिखाता हूँ कि आज इस स्पेशल दिन पर क्या क्या बन रहा है। तो जी ईजा बना रही है पुए। ईजा यानी कि माँ, कुमाऊनी शब्द है ईजा, माँ को हम ईजा कहते हैं। तो देख सकते हैं गरम गरम और मीठे मीठे पुए। इसमें है लापसी, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए लापसी बनी है। कैसे बनाते हैं कभी फुर्सत से बताऊँगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कैसे बनाते हैं। तो गांव में आज हम लापसी और पूरी बांटेंगे। इसके अलावा पूजा का सामान ये रखा है, इसमें है मक्खन, मलाई, लापसी जो चढ़ती है और दूध भी जो चढ़ता है। उसके अलावा ये फूल है और तिलक चंदन है, और यहाँ पर कुछ पत्ते रखे हैं, ये है पत्थर, इनको हम आज पूजेंगे। और ये कुछ पत्ते हैं जिनमें हम लापसी रखकर गांव में देंगे प्रसाद के तौर पर। तो दोस्तों फिलहाल धोती वोती बांध के मैं आ गया हूँ गोठ। गोठ यानी कि जहाँ जानवर बंधे रहते हैं, जहाँ पर गाय को हम बांधते हैं वहीं पर आज पूजा होती है। कुमाऊनी में हम इसे कहते हैं बौधान पूजा, यानी कि जो बछिया का नामकरण होता है वो संस्कार। यह है गाय का गोबर, इसी का एक छोटा सा कुंड बनेगा, उसी में जो मैंने आपको पत्थर ऊपर दिखाए थे उनको नहला धोलाकर वहाँ पर पूजा की जाएगी उनकी। फिलहाल मैं इस जगह थोड़ा पानी छिड़क दूंगा, हालांकि जहाँ पर गाय बंधी हो वो जगह अपने आप में शुद्ध है, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों पूजा करने के लिए सर्वप्रथम गाय के गोबर का एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है। फिर उस कुंड में हम जो छोटे छोटे पत्थर लाए थे उनको प्रतिस्थापित करेंगे, फिर उनको शुद्ध किया जाएगा पत्थरों को पानी डालकर एक तरह से। उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे कुंड में। दूध डालने के बाद हम दिया सिलाई करेंगे, दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे। जब दिया धूप जल जाए उसके बाद हम जो कुंड है उसमें सब सारी चीज़ें डाल देंगे जो भी ऊपर से हम लाए थे, तिलक अक्षत चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे जैसे पूजा होती है नॉर्मल। और उसके बाद पूजा हो जाएगी हमारी समाप्त। जो ऊपर से मैं लापसी लाया था, फूल लाया था, पुए लाया था, मक्खन लाया था, मलाई लाया था, और दूध लाया था, और छाछ लाया था, और दही लाया था, सब हम जो है कुंड में चढ़ा देंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पूजा हो गई है समाप्त, और जो भी चीज़ें मैं ऊपर से लाया था इसमें चढ़ाने के लिए वो मैंने सब चढ़ा दिया है, पूजा भी कर ली है। अब जो इसको मैं उठाकर बाहर रख दूंगा जब दिया बुझ जाएगा, और ऐसी जगह हम इसे रखेंगे जहाँ पर कोई इसे लांघ न सके, या तो किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी पौधे पे, फूल के पौधे के नीचे, यानी कि जहाँ कोई इसे लांघ न सके वैसी जगह हम इसे रख देंगे उठाकर। तो दोस्तों नई बछिया का क्या नाम होगा वो मैंने डिसाइड कर लिया है। अब उसके कान में जाकर उसे वो नाम बता देता हूँ। पहले उसे लगाते हैं तिलक विलक, तिलक विलक लगा के उसका नाम उसके कान में बताया जाएगा, फिर उसकी मम्मी को बताया जाएगा, फिर आपको बताते हैं। खड़े खड़े बछिया ने अपना पैर फंसा रखा था, पहले मैंने इसका निकाला पैर, उसके बाद इसे तिलक लगाया, चंदन लगाया, अक्षत लगाया और फूल चढ़ाए इसके सर पे बछिया के।
फिर इसके कानों पर मैंने धीरे से इसका नाम लिया ताकि कोई सुन ना सके, बहुत आराम से। बहुत डर भी रही थी अभी क्योंकि मुझे पहचानती नहीं है। उसके बाद इसकी मम्मी को लगाया अक्षत, तिलक, चंदन वगैरह, और इसकी मम्मी को हमेशा खाने की रहती है, उसे लगता है कि जो भी आए मेरे पास वो खाने की जलाए। तो दोस्तों बच्चिया का हो गया नामकरण। पहले मैंने सोचा था कि इसका नाम मैं दुर्गा रखूँगा क्योंकि नवरात्रि में हुई थी, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका नाम गौरी होना चाहिए, और एक दीदी है हमारी आशा दी, उन्होंने भी कहा कि क्योंकि दुर्गा अष्टमी को पैदा हुई थी, यानी कि उस दिन महागौरी का दिन होता है, अष्टमी के दिन शायद, तो उन्होंने भी कहा कि इसका नाम आप गौरी रखना। तो मैंने इसका नाम रखा है गौरी। तो यह है हमारे घर की नई सदस्य गौरी। इसका रजिस्टर नाम होगा गौरी, स्कूल में भी इसका यही नाम होगा अब। और कैसा लगा आपको ये नाम बताना ज़रूर। इससे भी पूछ लेता हूँ, कैसा लगा नाम, कैसा लगा? मस्त। वाह, ये हंस भी रही है, कह रही मस्त नाम है। वाह बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया कह रही है। इसे गौरी नाम से मज़ा आ गया भाई। तो जी नामकरण होने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है जो पकवान बने हैं उनको आस पड़ोस में बांटना। जैसे एक गिलास में दही हो गया, एक कटोरी में लापसी और एक पुआ, और थोड़ा सा उसके साथ एक छोटी सी बाल्टी में छाछ। 15-20 पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको इस तरह देना होता है। बाकी जो गांव वाले होते हैं उनको ये जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, पत्ते, तिमूल के पत्ते, इनमें थोड़ा थोड़ा लापसी रख के हम देते हैं प्रसाद के तौर पर, क्योंकि पूरे गांव को तो इस तरह नहीं दे सकते इसलिए। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं आया हूँ नीचे एक रोड साइड में हमारा खेत है उसे देखने कि वहाँ पानी हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ के धान, हमने भी धान बनाई नहीं की है, तो देखना है कि खेत पानी ये इसमें तो हो रहा है पानी। वो अब हमारा ऊपर वाला है, मगिन लावड़ा है मम्मी हंडोल का, देखते हैं हो रखा है नहीं हो रखा। अगर नहीं हुआ होगा तो कल उसकी धान बनाई करेंगे, अगर हुआ होगा पानी तो उसे फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये वाला है भाई हमारा भाई। ये वाला है क्या, ये नहीं हो रहा अरे यार ये भी गीला ही लग रहा है मेरे को, है हाँ इसमें पाँव पाँव धंस रहे हैं भाई। गीला तो हो रखा है, इसके ऊपर वाले में पानी भी है, तो कल इसमें तिरपाल बिछाएंगे दलफू, तो नीचे से पानी तो नहीं आएगा। भाई नीचे से क्या तिरपाल बिछा रहा है, कुछ बिछा दूँ आएगा पानी। और क्या। तो दोस्तों खेत हो रहा है गीला, और यही देखने में आया था। मुझे नहीं लग रहा कि कल यहाँ पर हम धान मान पाएंगे तिरपाल बिछा के, क्योंकि तिरपाल बिछाएंगे तो नीचे से गीला हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 1-2 दिन वेट और करना पड़ेगा। फिलहाल जाते हैं घर को वापस, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह पुनः 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। टाटा।